दिल्ली में एक नई तरह की फंगस से मौतें हैरान कर रही हैं। एम्स के डॉक्टर्स ने दो मरीजों में एस्परजिलियस लेंटुलस नाम का पैथोजन होने की पुष्टि की है। फंगस की प्रजाति पर किसी तरह की दवा का असर नहीं होता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से पीड़ित दोनों मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई। एस्परजिलियस की ऐसी प्रजाति है जो फेफड़ों को संक्रमित करती है। मेडिकल जगत में इसका जिक्र पहली बार 2005 में हुआ। तब से अब तक कई देशों में इंसानों में इसके संक्रमण के मामले आ चुके हैं। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक भारत में इस तरह के फंगस से संक्रमण के ये पहले मामले हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में छपी केस रिपोर्ट के अनुसार एक मरीज की उम्र 50 से 60 वर्ष के बीच थी तो दूसरे की उम्र 45 से कम। दोनों को COPD था। पहले मरीज को एक निजी अस्पताल में इलाज के बाद सुधार न होने पर एम्स रेफर किया गया। उसे यहाँ पर एम्फोटेरिसिन बी और ओरल विकोरोनाजोल इंजेक्शन दिए गए। महीने भर तक इलाज के बावजूद हालत नहीं सुधरी और मरीज की मौत हो गई। दूसरे मरीज को बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के साथ एम्स इमरजेंसी में लाया गया था। उसे भी एम्फोटेरिसिन बी दिया गया मगर हफ्ते भर बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उसकी मौत हो गई। IGMM छवि में एम्स डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि हमारी जानकारी के अनुसार भारत में COPD मरीज में एस्परजिलियस के ये पहले मामले हैं। फंजाई पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सेंटर के हेड करने वाले डॉक्टर अरुण लोक चक्रवर्ती कहते हैं कि करीब एक दशक पहले तक 200 से 300 फंसाई ही बीमार करते थे, यही पता था, लेकिन अब 700 से ज्यादा प्रजातियां ऐसी हैं जो इंसानों को बीमार करती हैं। इनमें से कई पर तो दवाओं का असर भी नहीं होता। चक्रवाती PCCI चंडीगढ़ में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि वो फंगल इन्फेक्शन के खतरे को लेकर पिछले 37 साल से आवाज उठा रहे हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।